हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कई बार इसके स्ट्रक्चर बनाने में भी हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर हाईलाइट करेंगे। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड और 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं। पांच एल्कोहल में ये 1 डिग्री और ये 4 2 डिग्री एल्कोहल, एक एल्डिहाइड। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जाता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप और फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज बना लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं। इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी हम ये याद रखें कि दो कार्बन के पास दो ग्रुप्स हैं, एक एच है और एक ओ एच है। तो एक साइड में एच रहेगा, एक साइड में ओ एच रहेगा। इसको सिंपली तरीके से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक डेवलप की है कि सपोज एक पर्सन के पास दो कैरी बैग है, एक बड़ा हैवी कैरी बैग है, एक हल्का कैरी बैग है। तो किस हाथ से उस पर्सन को हम कहेंगे कि हैवी कैरी बैग उठाए? डेफिनेटली राइट हैंड से कहेंगे, क्योंकि हमारे राइट हैंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो हैवी फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हुआ? ओ एच। तो हमने ओ एच को क्या किया, सारे कार्बन में ओ एच को राइट हैंड साइड पर लगा दिया। तो ये हो गया हमारा ओ एच राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर हल्का वाला अंडरस्टूड हो गया, एच लगा दिया हमने। तो इससे बस इसके थर्ड कार्बन पर, ये 1 2 3, इसके थर्ड कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन को चेंज कर देना है। तो ये चेंज करने के बाद फाइनली इसका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम कैसे जाएंगे? इसके ओ एच को हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम ओ एच में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के साथ इसका लिंकेज हम शो करेंगे। अब फिफ्थ कार्बन की अगर बात करें तो ये फिफ्थ कार्बन है हमारा। फिफ्थ कार्बन में ये ओ एच, इसका एच इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया एच, बचा ओ। तो ये ऑक्सीजन लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए दो कार्बन को कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। और एज यूजल यहाँ बचा एक H, ये H, OH, बाकी सारी पोजीशंस आप वैसे ही लगा सकते हैं जैसे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में है। और ये फिफ्थ कार्बन पर लगा हुआ है पूरा पूरा CH2OH, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ये हो गया इसका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और ये है पूरा ग्लूकोज का ओपन चेन। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड को रिजेंबल करता है, जिसका नाम है पायरन। तो ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का एक एनालॉगी है। एनालॉगी मतलब सेम स्केलेटन बेस स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी देखिए, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, सेम 1 2 3 4 5 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ऐसे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बना लिए। अब इसके बाद हम ट्रिक के बेस पर, क्योंकि स्ट्रक्चर याद करने जा रहे हैं, तो दोनों साइड में फंक्शन ग्रुप ओपन करेंगे हर कॉर्नर पर, हर कार्बन पर, क्योंकि ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो एक हम अल्फा बनाएंगे और एक को हम बीटा बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनाने में हम ये देखेंगे कि कनेक्शन किन दो कार्बन के बीच में हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू। तो 1 एंड 5, तो हमने इनको बना दिया 1 और 5। अब फिफ्थ कार्बन पर क्या लगा हुआ है? CH2OH। तो इस CH2OH को बस ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि ऊपर की साइड में बनाएंगे हम। बाकी यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं हर कॉर्नर पर, H और OH, लेकिन इनकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमने एक शॉर्टकट डेवलप करी, दैट इज B2AB, वेयर B स्टैंड्स फॉर बिलो एंड A स्टैंड्स फॉर अबव। मीन्स हैवी फंक्शनल ग्रुप के लिए आपने ट्रिक बना ली। तो इसका मतलब है बिलो बिलो अबव बिलो। वॉट इज दिस बिलो बिलो अबव बिलो? कि जो हैवी फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स जो OH है, उसकी पोजिशंस को डिराइव एक्सप्लेन करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई। जैसे फर्स्ट कार्बन पर बिलो,
OH बिलो पोजीशन पे लगा, देन एक बार और बिलो, देन अबव, तो ये अबव हो गया, देन बिलो, तो ये हो गया आपका। बची हुई पोजीशंस पे आप क्या लगाएंगे? H। तो अंडर स्टूडेंट जो बची हुई खाली पोजीशंस हैं उनमें आपने H लगा दिया। ये बन गया आपका ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म। ग्लूकोज का अल्फा और बीटा सिर्फ फर्स्ट कार्बन के फंक्शनल ग्रुप पर जो लगे जो पोजीशंस होती है उनकी पोजीशंस उसमें आपस में चेंज होती है। जैसे फर्स्ट में यहाँ H लगा है, यहाँ OH लगा है, तो पहले आप वही B2AB के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर फर्स्ट कार्बन के रोटेशन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल OH बिलो बिलो अबव बिलो, बची पोजीशंस में हमने क्या लगाया? H हो गया H। लेकिन हमें पता है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमने H और OH को चेंज कर दिया। ये हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा। अब इसका नाम लिखने में भी बड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अल्फा क्योंकि अल्फा फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है? बीटा फॉर्म। अल्फा देन डैश, इसके बाद ये डी कन्फिग्रेशन है, ये भी डी कन्फिग्रेशन है। देन इसमें जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो का सिंबल लगाया हमने प्लस, तो ये भी डेक्स्ट्रो है। और बाकी ये क्या है? ग्लूकोज का पायरन स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म लिया ग्लूकोज, पायरन इसका जोड़ा, और ओज जो शुगर के लिए एक एंडिंग वर्ड है, तो आपने पूरा जोड़ के बनाया ग्लूको देन पायरन की स्पेलिंग एंड देन ओज, ऐसे ये इसका पूरा नाम बन गया। बीटा के लिए देन सेम ग्लूको पायरे नोस। फिर से एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा डी और बीटा फॉर्म, बीटा डी फॉर्म में सिर्फ कार्बन के फर्स्ट कार्बन पर जो रोटेशन होता है H और OH का वो चेंज होता है। ये है H और ये है OH, तो ये देखिए H और OH की पोजीशंस चेंज हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट।